छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लगभग 23 पदों पर नई वैकेंसी जारी की गई है। इस 23 पदों पर जो वैकेंसी जारी की गई है उसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी जानते हैं। यह विज्ञापन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के विभिन्न व्यवसायों विषयों में प्रशिक्षण कार्य पूरा कराए जाने के लिए 2020-21 में मेहमान प्रवक्ता गेस्ट लेक्चरर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। और ये आवेदन आप कहाँ जमा करेंगे, तो आप शासकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रायपुर में आपको जमा करने हैं। ये वैकेंसी एक जगह नहीं, कई जगह पर निकाले गए हैं रायपुर जिला में ही। जैसे कि यहाँ आप देखेंगे तो रायपुर, अभनपुर, हीरापुर, माना केम्पा, धरसीवा, चंद्रभानसी, सिरभौन, तिलदा, नेवरा, टोटल पदों की संख्या 23 है। आपने जिस भी ट्रेड में यहाँ व्यवसाय और विषय दिया हुआ है, इसी व्यवसाय में पदों की संख्या यहाँ इस तरफ दिया हुआ, जिसमें कारपेंटर, असु लिपि अंग्रेजी हिंदी, डीसीएम, कोपा, देखेंगे तो अलग अलग पद है, ट्रैक्टर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, विद्युतकार, ड्राइवर का मैकेनिस्ट, कोपा, कारपेंटर, अलग अलग पद हैं अलग अलग औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में। तो आप इच्छुक हैं, अगर आपने पढ़ाई किए हैं तब यहाँ योग्यता देख लेते हैं। सबसे पहले योग्यता है हाई स्कूल अर्थात 10वीं पास आप होना चाहिए, या पुराने जो पहले के थे वो 11वीं पास होना चाहिए। इसके अलावा आपका संबंधित ट्रेड में प्रशिक्षण आपका होना चाहिए आईटीआई का, देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ है, आपका संबंधित ट्रेड में प्रशिक्षण आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जिनमें जैसे कि इसमें हल्के मोटर वाहन का वैध लाइसेंस होना चाहिए, हर में अलग अलग है, देख सकते हैं वैध लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। कई में योग्यता, सभी में योग्यता 10वीं पास और आईटीआई रखा गया है, इसकी या उसके समतुल रखा गया है। इसके बाद अंकों का निर्धारण और चयन प्रक्रिया की बात करें तो जिन पदों के लिए सीटीआई एटीआई आवश्यक है उन पदों के लिए एक वर्षीय सीटीआई एटीआई उत्तीर्ण प्रमाण पत्र आपको देने होंगे। इसके अलावा सीटीआई एटीआई उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर निर्धारित तकनीकी योग्यता अभ्यर्थी के चयन की कार्यवाही उनके तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर किए जाएंगे। इसके अलावा जिन व्यवसायों में हल्के मोटर वाहन की वैध लाइसेंस दिया गया है वो अनिवार्य रहेगा। इसके बाद यहाँ देखेंगे तो आप कहाँ भेजेंगे आवेदन पत्र, स्व हस्ताक्षर स्व प्रमाणित रहेगा जो भी आपका डॉक्यूमेंट रहेगा वो, और आपको कहाँ भेजना है तो आप पंजीकृत या पंजीकृत के माध्यम से आप कार्यालय प्रचार शासकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रायपुर में आपको भेजना होगा। पिन कोड यहाँ दिया हुआ है, इसी में आप सॉफ्ट कॉपी ईमेल के माध्यम से आवेदन नहीं कर सकते हैं। आवेदन के ऊपर आपको आवेदित संस्था का नाम और व्यवसाय का नाम आपको उल्लेख करना होगा स्पष्ट रूप से, और पूरा डिटेल यहां दिया हुआ है। आज आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको प्रतिमाह वेतन यहां अधिकतम 10,000 रुपया रखा गया है। इसके अलावा आप यहां आवेदन पत्र का प्रारूप देख सकते हैं, इसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मेहमान प्रवक्ता हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप है, यहां आप स्वप्रमाणित फोटो संलग्न करेंगे जिसमें आपका स्वयं का हस्ताक्षर रहेगा। अगर जानकारी आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। ये वैकेंसी पूरे छत्तीसगढ़ के लिए है, आप छत्तीसगढ़ के कोई भी जिला में निवास करते हो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं।